Hi guys, welcome to my channel once again. My name is Komal and if you are new to the channel guys, please consider subscribing. So guys, let's start this vlog without any delay. So आज का जो vlog है, especially जो new students आ रहे हैं या already जो January intake में आ चुके हैं, ये उन students के लिए बहुत important vlog है. And और भी लोगों के लिए जो अभी Canada में jobs ढूंढ रहे हैं and they are not getting any reward back from any of the employers, उनके लिए भी ये video बहुत ज़्यादा informational है. So guys, let's start. सबसे पहले मैं जिस इशू पर बात करना चाहती हूँ कि जॉब्स बिल्कुल नहीं मिल रही हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे जो अभी वर्क परमिट पर जस्ट रिसेंटली अभी आए हैं वर्क परमिट पर, उनको भी जॉब्स नहीं मिल रही है. तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ आवर्स कि 20 आवर्स या 40 आवर्स की हम अपना स्केड्यूल फ्लेक्सिबल नहीं कर पाते अपनी स्टूडेंट लाइफ में, तो वो प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं है कि आपका फ्लेक्सिबल स्केड्यूल नहीं है. इवन अगर किसी बंदे का स्केड्यूल भी फ्लेक्सिबल है, वो 5 डेज भी दे दे अगर एम्प्लॉयर को, तब भी वो आपको नहीं रिवर्ट बैक कर रहे हैं, नहीं कॉल कर रहे हैं. सो इट्स अ बिग इशू राइट नाउ. जॉब्स को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है. सो गाइज, इस वीडियो में प्रॉब्लम के लिए बात करेंगे, सॉल्यूशन पे बात करेंगे. एंड अगर आपको भी कोई सॉल्यूशन पता है बाकी स्टूडेंट्स जो न्यू आ रहे हैं, सो गाइज आप कॉमेंट डाउन कर सकते हैं एंड लेट्स टॉक ऑन दिस टॉपिक. सो गाइज, कैनेडा में जॉब फाइंड करने के 3-4 तरीके होते हैं जो हर स्टूडेंट्स अपनाते हैं यहाँ पर आने के बाद. द फर्स्ट मेथड जो है वो है एजेंसीज़ की. एजेंसीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जॉब्स को रिलेटेड. आप एजेंसीज़ के पास जाओ, अपने आप को रजिस्टर करो, अपना सिन नंबर प्रोवाइड करो एंड दे कॉल यू बैक विद इन 2-3 डेज, मैक्सिमम 1-2 वीक, एंड दे कॉल यू बैक कि हमारे पास ये वाली जॉब है. इफ़ योर स्केड्यूल मैचेज दैट जॉब, आप वो जॉब ले लेते हैं, या फिर आप उनको अपना स्केड्यूल देकर आते हैं कि इन डेज पर मैं अवेलेबल हूँ और मुझे इन डेज पर मैं जॉब कर सकता हूँ, तो आपको कॉल आ जाती है. दिस इज़ द फर्स्ट मेथड एंड वेरी इजी मेथड, एंड ये सबसे ज़्यादा यूज मेथड है एजेंसीज़ को लेकर, राइट. सो अभी जो सिनारियो है उसमें ये फर्स्ट मेथड तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो भी एजेंसीज़ है वो यही बोल रहे हैं कि राइट नाउ वी आर फेसिंग शॉर्टेज इन जॉब्स, उनके पास जॉब्स नहीं है. तो दिस मेथड इज़ नॉट वर्किंग. एंड द सेकेंड मेथड इज़ ड्रॉपिंग CVs इन द स्टोर. सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं, हम अपने CVs का प्रिंट आउट निकलवाते हैं एंड हम हर स्टोर में जाके पर्सनली अपने रिज्यूमे को मैनेजर्स को देकर आते हैं. तो बहुत सारे लोगों ने सेकेंड मेथड भी ट्राई कर लिया है, वो पर्सनली जाकर अपने CVs स्टोर्स में देकर आ रहे हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग एनी कॉल बैक. तो उनको कोई कॉल नहीं आ रही है. एंड आप कुछ लोग जो ये व्लॉग देख रहे होंगे वो ये रियलाइज़ कर सकते हैं कि सच में कोई कॉल नहीं आ रही है. अभी जो टाइम है वो स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, स्पेशली जो जैन इनटेक से आए हुए हैं बेचारे. लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, राइट नाउ मई इज़ गोइंग ऑन एंड इट गोना एंड सून, एंड लाइक 5 मंथ्स नो कॉल एंड विदाउट जॉब सर्वाइविंग इन कैनेडा, इट्स वेरी हार्ड. सो यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन, राइट. एंड गाइज, द थर्ड मेथड इज़ रेफरल्स. अगर हमारा कोई फ्रेंड कहीं पे काम करता है, लाइक फॉर एग्जांपल इन शॉपर्स ड्रग मार्ट, तो दे गोना रेफर अस एंड मोस्ट प्रोबेबली उनके मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स हमें कॉल कर देते थे आफ्टर रेफरेंस की ठीक है, इफ़ यू वांट द शिफ्ट एंड यू कैन कम एट दिस टाइम यू कैन कम, बट राइट नाउ दिस मेथड इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग. एंड गाइज, द फोर्थ मेथड इज़ अप्लाइंग ऑन जॉब साइट्स लाइक इंडीड एंड लिंक्डइन. अभी वहाँ पर भी अप्लाई करने से कोई फीडबैक नहीं है, एटलीस्ट कोई पॉजिटिव फीडबैक तो नहीं है, नेगेटिव तो बहुत सारे आते हैं. अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड विद योर एप्लीकेशन. सो गाइज, अभी मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि एटलीस्ट आप अपना 5-6 मंथ्स का बजट बनाकर आओ, एक्सपेंसेस कम से कम करो जितना हो सकता है. एंड सो गाइज, इन सब मेथड्स का बताने का पीछे का मोटिव यही है कि ये सब मेथड्स इस टाइम पर काम नहीं कर रहे हैं इन रिसेशन. अभी कोई भी मेथड काम नहीं कर रहा है. आप अपना रिज्यूमे कितना अच्छे से अच्छा बना लो बट नहीं कॉल आ रही है. सो आई हैव सीन पर्सनली, अभी मैं जिस एजेंसी के थ्रू काम करती थी पहले, वो एजेंसी के पास मैंने उनको कॉन्टैक्ट करा कि देयर इज़ देयर एनी जॉब्स फॉर माई फ्रेंड्स, तो उन्होंने बोला कि राइट नाउ अभी हमारे पास नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर्स नहीं है, कोई भी जॉब नहीं है. तो दीज आर द सिचुएशन राइट नाउ विद एजेंसीज. एंड अगर अभी आपने विनर्स की भी सिचुएशन देखी होगी, विनर्स एक स्टोर है, बहुत बड़ा स्टोर है यहाँ पे कनाडा में, वहाँ पर अभी उन्होंने लाइव इंटरव्यूज़ लिए थे
स्टिल आउट ऑफ लाइक 500-600 पीपल लाइन में थे, उनमें से शायद ही एक दो का सिलेक्शन हुआ. सो गाइज मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको, कि एक्सपेंसेस आप जितना कम से कम करें, जितना हो सकता है उतना कम से कम करें, सेविंग्स पर ध्यान दें, अपनी GIC को सेव करें, ट्राई करें कि आप शेयरिंग में रहें ताकि आपका रेंट थोड़ा कम रहे, ग्रॉसरी उतनी ही ले जितनी आपको यूज़ करनी हो. एंड आई मीन टू से कि आप जहाँ जहाँ पर भी एक्सपेंसेस को कट कर सकते हैं करें, जितना ज़्यादा सेव कर सकते हैं सेव करें. एंड जो लोग ऑलरेडी जॉब करें गाइज, आप अपनी जॉब पर ध्यान दें. एंड गाइज मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि कीप मोटिवेट योर सेल्फ. सबके साथ अभी यही सिचुएशन है, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट फेसिंग द सेम प्रॉब्लम. तो अगर अभी आपके पास स्पेयर टाइम है तो आप अपनी स्किल्स पर ध्यान दें. जैसी सिचुएशन ठीक होगी, अगर आपके रिज्यूमे में कुछ पॉजिटिव स्किल्स होंगी, ऐसी स्किल्स होंगी जो और लोगों के पास नहीं है, तो आपको जल्दी जॉब मिल जाएगी. एंड होपफुली ये सिचुएशन जल्दी जल्दी से जल्दी ओके हो जाए एंड सबको जॉब मिल जाए. विश यू ऑल द लक, ऑल द बेस्ट.